क्या प्रतीक सहजपाल रुबीना दिलैक को अब भी दिखा रहे हैं तेवर? वह आखिरकार प्रतीक सहजपाल ने लेटेस्ट इंटरव्यू में रुबीना दिलैक के खिलाफ आखिरकार ऐसे कौन से शब्दों का किया है यूज, वह क्या है ये पूरी अपडेट हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। हेलो, आपको बता दूं कि बैक टू बैक रुबीना दिलैक और प्रतीक सहजपाल में टक्कर जो है अभी जबरदस्त बना हुआ है। ऐसे में रुबीना दिलैक को लेकर प्रतीक सहजपाल ने एक और स्टेटमेंट दे दिया है, एक और बयान दे दिया है, जिसके बाद कि रुबीना दिलैक को कहीं ना कहीं फैंस का ये कहना है कि प्रतीक सहजपाल रुबीना दिलैक को अब भी तेवर दिखा रहे हैं। वेल, आपको बता दूं कि लेटेस्ट इंटरव्यू के दौरान जब प्रतीक सहजपाल से ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार आपके हिसाब से खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के टॉप 2 कंटेस्टेंट कौन होने चाहिए, तो यहां पर प्रतीक सहजपाल ने कहा कि फैजू और जन्ना जुबैर, यानी कि प्रतीक सहजपाल ने रुबीना दिलैक को नहीं कहीं ना कहीं अहमियत दिया और रुबीना दिलैक को खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के टॉप 2 कंटेस्टेंट का हकदार भी नहीं बनाया। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रतीक सहजपाल जो है रुबीना दिलैक को तेवर दिखाते नजर आ रहे हैं, जहां पूरी फैंडम का कहना है कि रुबीना दिलैक टॉप 2 कंटेस्टेंट है और साथ ही साथ इन फैजू और रुबीना दिलैक में ही टक्कर होगा, वहीं प्रतीक सहजपाल ऐसा बिल्कुल नहीं मानते हैं। वेल, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में प्रतीक सहजपाल और रुबीना दिलैक के बीच में जो ये कांटे का टक्कर चल रहा है वो आखिरकार कितने दिनों तक चलता है। आखिरकार क्या आपको भी लगता है कि प्रतीक सहजपाल का रुबीना दिलैक को तेवर दिखाना सही है या फिर गलत? कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन जरूर शेयर करें। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।